नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आइए फटाफट जानते हैं देश दुनिया की 25 खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 61,408 नए मामले, 836 लोगों ने गवाई जान। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया याद, ट्वीट कर कहा मुझे अपने दोस्त की आती है याद। सेना ने नागालैंड में हथियार डीलर को पकड़ा, AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। चीन सीमा विवाद पर SDS रावत का बयान, कहा वार्ता खत्म हुई तो सैन्य विकल्प है तैयार। बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे समय पर, 29 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल। आयुष विभाग के सचिव पर कुमार स्वामी ने उठाए सवाल, कहा जिन्हें हिंदी नहीं आती वे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.7 रही तीव्रता। तमिलनाडु में रविवार को था पूर्ण लॉकडाउन, उल्लंघन करने वालों से वसूला गया 21 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। सुशांत केस में CBI का चौथा दिन, वाटरस्टोन रिजॉर्ट में कर रही जांच। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा राजधानी में संक्रमण दर 10% से नीचे। 73 दिनों में कोरोना वैक्सीन आने की खबरों को सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया गलत, कहा अभी चल रहा है ट्रायल। कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव पर बोले मुख्यमंत्री शिवराज, कहा पार्टी के अस्तित्व पर खड़े हो रहे सवाल। PC शर्मा ने भाजपा पर बोला हमला, कहा गुटों में बंटी हुई है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कमलनाथ ने सिंधिया को दिया था धोखा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया बड़ा बयान, मध्य प्रदेश उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का किया दावा। SP बाल सुब्रमण्यम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, कहा फैंस की दुआओं का है असर। सामाजिक कार्यक्रमों में 50 मेहमानों की सीमा होगी खत्म, बशर्ते जगह की क्षमता करनी होगी दोगुनी। वैज्ञानिकों ने किया नया दावा, फेफड़े और किडनी को चोटिल कर रहा है कोरोना वायरस। टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में फिर फिसले मुकेश अंबानी, इस बार एलन मस्क ने किया पीछे। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लड के काले धंधे का भंडाफोड़, 6 लोग हिरासत में, मास्टरमाइंड हुआ फरार। MP के करोड़ों ग्रामीणों को मिलेगा घर की जमीन का मालिकाना हक, 2 अक्टूबर से होगा स्वामित्व योजना का शुभारंभ। पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति, जर्नलिस्ट से कहा मुक्को से तोड़ दूंगा मुंह। अरब गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट, सीरिया के बिजली हुई गुल। कोमा में है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, बहन ने संभाली बागडोर। अमेरिका में होगा प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज, ट्रंप ने दी मंजूरी।